आप शॉर्ट्स वीडियो बना के पैसे कमाने का सोच रहे हो और कमा भी रहे होंगे ना, तो आपको इस अपडेट के बारे में पता होना चाहिए। और ये अभी यहाँ पे 3 घंटे पहले ही YouTube ने यहाँ पे अपडेट दे दिया है, उसके ऊपर तुरंत ही मैंने वीडियो आपके सामने रख दिया हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने वाला हूँ गाइस। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे YouTube क्रिएटर इंडिया यहाँ पे साइट के स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, 15 अक्टूबर से 3 मिनट तक के शॉर्ट वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। मतलब गाइस जैसे हम फेसबुक आप यूज करते होंगे, फेसबुक पे जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो ना, तो वहां पे देखो रील्स के अंदर ही तीन तीन चार चार पांच पांच मिनट का वीडियो वो रील्स के अंदर आ रहा है, वैसे ही गाइस अभी यूट्यूब ने एक नया अपडेट निकाला है, वो 15 अक्टूबर से 3 मिनट तक का शॉर्ट वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। मतलब अभी तक जो 60 सेकेंड तक का टाइमिंग था शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का, वो अभी बन चुका है 3 मिनट तक का, वहां पे हम शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते। गाइस सोचो अगर हमारा लॉन्ग वीडियो 3 मिनट तक का अगर शॉर्ट्स में शॉर्ट फीड में अगर जाने लगे तो कितना इनकम होगा। और गाइस अगर वो इनकम यूट्यूब बढ़ा भी रही है, मतलब शॉर्ट्स का जो इनकम है उससे कई गुना ज्यादा अभी 3 मिनट का जो लॉन्ग वीडियो आपका शॉर्ट फीड में जाएगा, शॉर्ट्स के यहाँ पे जाएगा, तो उससे अर्निंग भी तगड़ी होने वाली है। आगे YouTube लिखती है, इससे आपको दर्शकों से जुड़ने और अपने चैनल को आगे बढ़ाने से ज्यादा मौके मिलेंगे। सामने से बोल रहे हैं कि ये 3 मिनट का जो आपका लॉन्ग वीडियो है, जो शॉर्ट्स है, जो 3 मिनट का है, वो अगर शॉर्ट फीड में जाने लगेगा, व्यूवर्स उनको देखेंगे तो ज्यादा एंगेज होंगे और इसका असर हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे इनकम पे क्या गिरने वाला है। यहाँ पे यूट्यूब ने आगे बताया है, 15 अक्टूबर के बाद अपलोड किए जाने वाले स्क्वायर या वर्टिकल, मतलब लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3 मिनट तक के वीडियो शॉर्ट वीडियो माने जाएंगे। मतलब आप 3 मिनट तक का वीडियो वो अगर 9x16 हो या 16x9 हो, अगर 3 मिनट तक का आपका वीडियो है तो उसे शॉर्ट वीडियो माना जाएगा। मतलब वो वीडियो में शॉर्ट फीड में जाने वाला है गाइस, कितना तगड़ा कमाई होगा ये। आप अगर अपलोड किए गए वीडियो शॉर्ट वीडियो के तौर पर नहीं दिखाने हैं तो उन्हें 16x9 जैसे वाइड एस्पेक्ट रेशियो में अपलोड करें, इससे वे लंबी अवधि के वीडियो के तौर पर दिखेंगे। ध्यान दें, फिलहाल आपको लंबी अवधि के शॉर्ट वीडियो सामान्य तरीके से ही अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने का तरीका आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। हम अगले साल की शुरुआत में शॉर्ट वीडियो बनाने के टूल्स अपडेट करेंगे, इससे 3 मिनट तक की शॉर्ट वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। मतलब वो वीडियो में शॉर्ट फीड में जाने वाले है गाइस। लंबी अवधि के शॉर्ट वीडियो का दिखना, ऐसा हो सकता है कि लंबी अवधि वाले आपके शॉर्ट्स वीडियो चैनल पेज के शॉर्ट टैब में तुरंत ना दिखे, मतलब वो तुरंत नहीं दिखेंगे लेकिन आगे जाके वो शॉर्ट फीड में ही दिखने लगेंगे। यह भी हो सकता है कि शॉर्ट फीड में उन्हें ट्रैफिक ना मिले, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अपने उन सभी सिस्टम और प्लेटफॉर्म को अपडेट करने में कुछ हफ्ते लगेंगे जिन पर शॉर्ट वीडियो दिखाए जाते हैं या उनके सुझाव दिए जाते हैं, जैसे चैनल पेज, होम पेज, अगला वीडियो फीड वगैरह अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मतलब YouTube खुद सामने से बोल रही है कि हम शॉर्ट फीड में भेजने वाले हैं, हम होम पेज पे भेजने वाले हैं, चैनल पेज पे भेजने वाले हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हफ्ते का समय लगेगा क्योंकि हमारे सिस्टम में अपडेशन चालू है। मतलब आगे जाके इससे बहुत ही तगड़ी कमाई होने वाली है। जितने भी शॉर्ट्स क्रिएटर है वो अभी 3 मिनट के शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं, उससे तगड़ी कमाई हो सकती है गाइस। आगे अपनी पैसों का पिटारा खोलने वाली न्यूज, आपकी कमाई। यूट्यूब आगे लिखती है, आपकी कमाई। अगर आप फिलहाल YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल है तो आपको शॉर्ट वीडियो की तरह ही इन वीडियो से भी कमाई करने का मौका मिलने वाला है। अगर आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है तो नए वीडियो से मिले व्यू को प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शॉर्ट वीडियो पर मिल रहे व्यूज जरूरी शामिल किया जाएगा। मतलब ये जो व्यूज है वो YouTube पार्टनर प्रोग्राम में एलिजिबल है गाइस। मतलब बहुत ही बढ़िया अपडेट ये YouTube ने यहाँ पे निकाला है। 1 से 3 मिनट तक वाले जो वीडियो 15 अक्टूबर से पहले अपलोड किए जाएंगे उनसे पहले की तरह ही वॉच पेज पर दिखाने वाले विज्ञापनों से कमाई की जा सकती है। इस सिर्फ शॉर्ट वीडियो से जुड़े नियम में बदलाव किए जाएंगे, वाइड एस्पेक्ट रेशो जैसे
16:9 वाली वीडियो के लिए कोई बदलाव नहीं है। YouTube खुद सामने से बोल रहा है ये अपडेट शॉर्ट्स वीडियो वालों के लिए है, इससे वाइड एस्पेक्ट रेशो को कोई भी इफेक्ट नहीं गिरने वाला और जो भी इनकम होने वाला है शॉर्ट वीडियो बनाने वाले का ही अर्निंग सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। और जो लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं वो भी अगर 3 मिनट के अंदर का वीडियो अगर बनाते हैं तो वो भी शॉर्ट्स वीडियो में गिना जाएगा। आपके शॉर्ट वीडियो में मौजूद दावे वाले कंटेंट 60 सेकंड से ज्यादा अवधि वाले ऐसे शॉर्ट्स वीडियो ब्लॉक कर दिए जाएंगे जिसमें कॉपीराइट वाले ऑडियो या विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही उन्हें यूट्यूब पर ना तो चलाए जा सकेगा और न ही सुझाव के तौर पर दिखाया जा सकेगा। हालांकि आपके चैनल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी अगर आपके शॉर्ट वीडियो में यह कंटेंट हटाना है। गाइज मतलब यूट्यूब सामने से बोल रहे हैं अगर जो शॉर्ट्स वीडियो हम डालते थे 60 सेकंड के अंदर के, उसके अंदर अगर हमने किसी ऑडियो को यूज किया है या विजुअल्स का यूज किया है जिससे कॉपीराइट कंटेंट का अगर कोई इशू है तो उससे ये शॉर्ट फीड में चलाया नहीं जाएगा, उसको यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। लेकिन हालांकि उसके ऊपर किसी भी तरह का आपके यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट वगैरह नहीं आने वाला है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया न्यूज यहाँ पे यूट्यूब ने दे दिए। गाइज अगर सोचो 60 सेकंड के अंदर जो शॉर्ट्स हम डालते थे वही शॉर्ट्स अगर 3 मिनट का हम बनाने लगे या लॉन्ग वीडियो बनाने लगे वो अगर शॉर्ट स्पीड में जाने लगेगा तो सोचो आपकी कमाई कितनी तगड़ी होने वाली है गाइज। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज आज की सुबह सुबह यूट्यूब ने दी है और यूट्यूब की तरफ से मैं आपको दे रहा हूं। तो आपको ये अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही न्यू अपडेट्स वाले अर्निंग वाले वीडियोस हमारे इस चैनल पे आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।